हेलो बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल थ्रू इनक्लाइंड प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का मैंने लास्ट वीडियो देखना, एक इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग में, और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। प्रोजेक्टाइल थ्रू इनक्लाइंड प्लेन क्लियर है ना? तो निकालो कॉपी और हेडिंग डालो जल्दी से, क्विक। प्रोजेक्टाइल थ्रू इनक्लाइंड प्लेन बच्चों, ये थोड़ा सा कॉमन टॉपिक नहीं है इतना, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब जगह पे जेई वगैरह के अंदर तो पूछा जाने वाला टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल थ्रू इनक्लाइंड प्लेन डाल लिया सब बच्चों ने हेडिंग, चलो आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, देखो बच्चों, आज तक मैंने तुम लोगों को ये कहा है, सिंपल बात, लास्ट टाइम एक चीज वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था बच्चों दो इक्वेशन यूज होती है, ओनली दो, एक तो एक्स के अलोंग वाली और एक वाई के अलोंग वाली। याद रखना बच्चों, एक्स वाली क्या देती है? रेंज। वाई वाली क्या देती है? हाइट। ध्यान से सुनना, हाइट और टाइम दोनों वाई एक्सिस के साथ जुड़ा, वाई कंपोनेंट के साथ जुड़ी दोनों टर्म्स होती हैं, और जो एक्स के साथ जुड़ी होती है वो होती है रेंज। बेटा याद रखना, मतलब आप लोगों को अपनी सिंपल माइंड, सिंपल चीजें माइंड में रखनी है कि भाई देखो ऐसा है, जब रे जो प्रोजेक्टाइल होता है ना, वो दोनों चीज कवर करता है, हाइट भी और रेंज भी। तो मैंने क्या कहा कि जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ठीक है, वो वाई कंपोनेंट है देखो, और टाइम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वो है बेटा एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स कंपोनेंट। क्लियर है ना बात? लास्ट वीडियो देखना। अगर मैं कहूं कि सर इक्वेशंस ब्रेक करने की बारी आए, तो देखो बेटा आप लोगों ने देखो, अगर वाई के अलोंग इक्वेशन लिखता हूं तो क्या होगा? ये इक्वेशन तो पता होगा ना, सेकेंड इक्वेशन होती है, तो इसको वाई के अलोंग ब्रेक कर सकते हो ना, ए वाई टी का स्क्वायर। एक्स के अलोंग करना है तो क्या होगा बेटा? यू एक्स टी प्लस में हाफ इंटू ए एक्स टी का स्क्वायर। बच्चों जिसको ये दो इक्वेशंस याद है ना, और इनको इंप्लीमेंट करने का तरीका है, तो बेटा कितना भी हाई लेवल का न्यूमेरिकल आप सोल्व कर दोगे इन इक्वेशन से, सिर्फ एक तो एक्स के अलोंग ब्रेक कर लिया और एक वाई के अलोंग। क्लियर है ना? सुनो कैसे बेटा, एक बात बताओ, मैंने सिंपल चीज है इनक्लाइंड प्लेन के अंदर प्रोजेक्टाइल, तो इसका मतलब ये है कि कोई इनक्लाइंड प्लेन है। देखो बेटा नोट करते चलना, कोई इनक्लाइंड प्लेन है और ये ग्राउंड है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से ये मैंने ग्राउंड कह लूंगी इंक्लाइंड प्लेन बना दिया, तो मैंने नीचे से ना कोई बॉडी थ्रो की बेटा, और इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे गई। सुनना ध्यान से, क्लियर है ना? मैंने कोई स्टोन था, मैंने इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे थ्रो कर दिया, तो ऐसे गया। ध्यान से सुनना, और ये पॉइंट का इनिशियल पॉइंट ए है, और जहां पे गिरा बेटा इंक्लाइन प्लेन के एंड के ऊपर, उसका पॉइंट क्या मान लिया बच्चों? बी मान लिया। हो सकता है नहीं, सारी चीजें आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है बच्चों, जब मैंने इसको थ्रो किया होगा तो मैंने इसको कोई ना कोई वेलोसिटी तो प्रोवाइड की होगी ना इनिशियली। ध्यान से देखना, लास्ट वीडियो देख लेना बेटा, इनिशियल डायरेक्शन में मैंने इसको यू वेलोसिटी प्रोवाइड की, जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड करवाते हैं, मैंने इसको ऐसे कर दिया तो वैसे गिरा जाके। क्लियर है ना बेटा? अब सुनो, जब मान लिया ये एंगल अल्फा है, ठीक है ना, ये एंगल अल्फा है, ठीक है, जो इनक्लाइंड है का एंगल है, और जिस पे मैंने स्टोन थ्रो किया है ना, वो एंगल किससे? तो थीटा एंगल पे फेंका है। क्लियर है ना? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? यानी कि ये इनक्लाइंड प्लेन है, इससे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? थीटा। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये लिख दो बेटा, अल्फा है एंगल ऑफ ए इनक्लाइंड प्लेन, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ग्राउंड की बात कर रहा हूं तो मैं, और थीटा क्या है बच्चों? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कि किस एंगल के ऊपर मैंने उसको इंक्लाइंड कर दिया, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, ये दो चीजें हैं, ठीक है। सुनना बच्चों, जब ऐसे जाएगा होगा क्या? ये स्टोन ऐसे ऐसे जाएगा ना, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं, ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या था? ध्यान से देखना, ग्राउंड टू ग्राउंड में ए ऐसे था ना, ये लेवल ऐसे था, यानी कि एक्स एक्सिस थी बच्चों, और ये कौन सी एक्सिस होती है? वाई एक्सिस थी। क्लियर क्लियर है ना? और मैंने हाइट भी बताई थी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना आता है, रेंज भी आती है, टू यू साइन थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, वो सारी चीजें इस तरह से निकालते हैं ना। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ बेटा ये ग्राउंड इस तरह से लेवल नहीं है, ये इंक्लाइंड है इस तरह से। तो इसका मतलब आप लोगों को एक बात तो पता है ना, ये एक्स एक्सिस यही होना जरूरी थोड़ी है, एक्स एक्सिस तो ये भी हो सकती है बेटा। सर कैसे? अगर ये एक्स एक्सिस होगी तो ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी? वाई हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी बताओ? जेड हो जाएगी। मतलब एक्स वाई और जेड के अंदर तो 90 का एंगल ही तो होना चाहिए ना, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान सकता हूं ना, क्लियर है ना, तो ये क्या मानना पड़ेगा? वाई एक्सिस मानना पड़ेगा। अगर ये एक्स एक्सिस था तो ये क्या होगा बताओ? वाई एक्सिस। तो क्या होगा? ध्यान से सुनना,
अगर मैं इसको x एक्सिस मान लू, देखो बेटा इसको क्लियर है ना, तो इसकी y कौन सी बनेगी, y इसकी बनेगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर बेटा, तो इसका मतलब y ऐसे बनेगी। तो अगर ये x मान लिया तो इसका y, बिल्कुल बिल्कुल सही समझा, ये y होगा। मतलब अगर ये x एक्सिस है तो ये इसकी कौन सी बन गई बच्चों, y एक्सिस बन गई। तो मैं लिख देता हूं इसको, मैं आगे बढ़ा के डोटेट कर देता हूं, तो मैंने इसको x मान लिया और बेटा इसको डोट करके आगे लिख देता हूं, इसको मैंने y मान लिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बस मैंने क्या किया है इसको, देखो ये x एक्सिस होती है ना, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री है, मान ली ये x है ये y है, ये ना ये x है ये y है बेटा, यही होता है ना। और अगर मैं x को ऐसे ले जाऊं तो ये y भी ऐसे होगा, क्योंकि दोनों में कितने डिग्री एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसका मतलब मैंने 90 एंगल के अकॉर्डिंग बता दिया, तो ये एंगल कितना बन गया 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखना ये कितना बन गया बच्चों, 90 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर बहुत सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं कि देखो इसमें तीन चीजें निकालनी है जो आपसे कॉमन पूछेगा। अभी रेंज बताओ कितनी होगी, मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। यही तो बोलते हैं ना, अगर मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो मैक्सिमम हाइट तो यही होता है ना बेटा, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसको एक्स एक्सिस काउंट करोगे तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है तो ये मैक्सिमम हाइट होती है ना। ये कौन सी हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट लो बेटा, ये मैक्सिमम हाइट होगी, ये वाली डॉट डॉट जो मैंने लगाया है, क्लियर है। टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा होगा, यहां से यहां तक गिरने का होता है ना टाइम, तो इसका मतलब इसमें कौन सा होगा, यहां से यहां तक बेटा, ये एक्स एक्सिस मान रखी है तो यहां से यहां गिरने का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें क्या लिखते थे सुनना, इसमें क्या होता था, इसमें एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होता था, जीरो, क्लियर ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती बताओ, कांस्टेंट होती है एक्स के अलोंग, क्लियर, क्योंकि एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं, सर वाई में होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर है। तो इसका मतलब सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन होता था, ग्रेविटी, इसका मतलब सिर्फ ए वाई होता था जी माइनस जी, ये तो होता था ना, मतलब सिर्फ ए वाई था, ए एक्स कितना था, जीरो। तो ये बात कब थी, जब इस तरह से लेवल वाला पॉइंट था, मतलब वही ओरिजेंटल इस तरह मानते थे आप, क्लियर है ना बेटा। तो लेकिन ये तो ऐसे है, क्लियर, तो इसका मतलब यहां कुछ चीजें बदलेंगे जो आप लोगों ने समझना पड़ेगा। ऐसे ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर सर एक्स एक्सिस में हम क्या मानते थे, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगती है, एक्स में कोई कंपोनेंट होता नहीं था, तो मैंने ये चीजें अज्यूम की थी। यू एक्स क्या था इसी में बताओ, ओरिजेंटल में यू एक्स क्या था, यू कोस थीटा, बिल्कुल सही है। एक्स एक्सिस में इतनी वेलोसिटी होती थी ना जो बदलती नहीं थी, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है उसको अलोंग बेटा। और यू वाई कितना बताया था बताओ, यू वाई था यू साइन ए थीटा। लास्ट वीडियो देख लेना, मैंने चीजें आप लोगों को बता रखी है कि भाई एक्स एक्सिस के अंदर वाई एक्सिस के अलोंग, क्लियर है। अब अगला पॉइंट है सर, ठीक है हमें बताओ बेटा एक बात समझो, जब ग्रेविटी किधर लगती है, नीचे, ग्रेविटी तो नीचे लगेगी बेटा। अगर ये स्टोन ऐसे जा रहा है किसी भी लेवल पे देख लो, अगर स्टोन यहां पहुंचा, ध्यान से सुनना, या यहां पहुंचा या जहां भी आपका स्टोन इस तरह से गया, ये पॉइंट मैंने मान लिया, तो हर जगह ग्रेविटी किधर आएगी बेटा, नीचे तो आएगी। मान लिया अगर यहां पे देखता हूं तो यहां पे ग्रेविटी किधर आएगी, देखना बेटा ग्रेविटी किधर आएगी, नीचे, यानी कि इसकी ग्रेविटी जो एक्सेलेरेशन होगा तो डाउनवर्ड ही आएगा ना, यानी कि जी जो है ना बेटा वो डाउनवर्ड ही लगेगा। इस पे भी जी किधर लगता है, कहीं पे भी हो डाउनवर्ड लगता है, चाहे यहां जाए चाहे यहां जाए, जी की वैल्यू नीचे ही लगेगी। तो इसका मतलब हर जगह पे इसकी भी जी नीचे लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो डायरेक्शन बदलती नहीं है। होगा क्या, एक बहुत ही कॉमन बात है, अगर बच्चों ये अल्फा है, ठीक है ना, क्या है बच्चों अल्फा है, तो सुनना ये 90 है, क्लियर है, ये क्या है 90 माइनस अल्फा, यही तो होगा ना, ये 90 माइनस अल्फा होगा ना, ये 90 माइनस अल्फा। अब एक बहुत कॉमन है, अगर ये 90 माइनस अल्फा है, लो बेटा मैं लिख देता हूं 90 माइनस अल्फा, किसी को कोई अगर इसमें प्रॉब्लम है तो समझ लेना, ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, लो मैंने यहां पर लिख दिया 90 माइनस अल्फा। होगा क्या, ग्रेविटी नीचे लग रही है ना, सर आप ये बता क्यों रहे हो, आप ग्रेविटी तो यहां भी नीचे बता रहे हैं, यहां भी नीचे बता रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंट क्या हुआ, फिर डिफरेंट ये हुआ बेटा, अब की हमारी एक्सिस ये है, ध्यान से सुनना, एक्सिस ये है, इसमें क्या थी, एक्सिस ये थी, इसमें ग्रेविटी और एक्सिस के बीच में कितने डिग्री एंगल था, 90, ध्यान से सुनना। इसका मतलब अगर 90 एंगल है किसी दो चीजों के बीच में, तो क्या मानते हैं हम कि भाई इन दोनों के बीच में 90 है, तो इसका उधर कंपोनेंट कितना होता है, जीरो, पता है ना, तो मतलब इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगा वो जीरो जाएगा, क्लियर है ना। तो मतलब इसका कंपोनेंट इधर बिल्कुल भी नहीं आता था, किसके अलोंग बताओ, y के अलोंग x का कोई कंपोनेंट आ ही नहीं सकता, या y का x के अलोंग नहीं आ सकता, क्योंकि एंगल कितने डिग्री है, 90 है, कॉमन बात है, वेक्टर में पड़ा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये एंगल तो 90 माइनस अल्फा है, मतलब 90 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक बात बिल्कुल सिंपल है कि इस एक्सिस के बीच में और इस ग्रेविटी में 90 एंगल नहीं है, तो ग्रेविटी का कंपोनेंट ब्रेक होगा, नहीं होगा बेटा, ग्रेविटी का कंपोनेंट ब्रेक होगा ना। अब ग्रेविटी का कंपोनेंट कैसे ब्रेक होगा, सुनना,
ग्रेविटी के कंपोनेंट दो चीजें हैं बेटा, बहुत ही सिंपल। किसी वेक्टर के कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, किसी वेक्टर कंपोनेंट ऐसे तोड़ते हैं फिजिक्स में कि ये जो फोर्स ना तो मोशन के पैरेलल हो ना मोशन के परपेंडिकुलर हो, याद रखना उसके कंपोनेंट ब्रेक होते हैं। रिमेंबर ये बहुत कॉमन बात है, किस चीज के कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, मान लिया उसके ब्रेक कंपोनेंट ब्रेक करते हैं ना जो ना बेटा ना तो मोशन के पैरेलल हो कोई फोर्स या एक्सेलेरेशन जो भी है वेक्टर क्वांटिटी, ना उसके परपेंडिकुलर, उसको क्या करेंगे उसके कंपोनेंट ब्रेक होंगे। जो मोशन के पैरेलल परपेंडिकुलर आ गया ना उसके कभी कंपोनेंट ब्रेक नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो सुनो बेटा ये जी देखो मोशन तो उसके लोगे ना, देखो मोशन तो ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये ना मोशन के पैरेलल ना मोशन के परपेंडिकुलर है, तो करना क्या है हमने इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि इसका एक कंपोनेंट तो मोशन के पैरेलल आ जाए और एक मोशन के क्या जाए बताओ परपेंडिकुलर। तो देखो ये जी है ना, इसका मतलब एक ये मोशन का पैरेलल है बेटा, तो इसका मतलब मुझे एक तो ये तोड़ना है, क्लियर है ना। और ये क्या है बताओ, एक नीचे ऐसे ब्रेक होगा, ध्यान से देखना बेटा, एक के नीचे ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये कंपोनेंट होगा मोशन के पैरेलल या एंटी पैरेलल जो भी हो रही होगा उसका परपेंडिकुलर, ये तो बात बनी ना। तो सुनो बेटा अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना बन गया, अल्फा बन गया ना। मैं इसको रब कर देता हूं, 90 माइनस अल्फा की कोई जरूरत नहीं है, अब ये एंगल अल्फा बन गया है, क्लियर है ना। ये अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। तो इधर कौन सा कंपोनेंट है जो मोशन के परपेंडिकुलर ब्रेक हुआ है, तो दैट इज जी साइन अल्फा, वेरी गुड, जी साइन अल्फा, क्लियर है ना। और जो इस डायरेक्शन में आएगा वो कौन सा कंपोनेंट है बताओ, जी कोस अल्फा। सर क्यों ब्रेक किए, रीजन समझो, इसका जी के साथ और मोशन के क्या कितने डिग्री एंगल है, देखो मोशन ऐसे है ना और ये जी नीचे है तो कितना एंगल है 90, तो इसका मतलब जी का कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत है नहीं, मोशन ऐसे जा रही है बेटा उसकी ओरिजेंटल और क्या है बताओ वो जी नीचे लग रहा है, तो इसका कोई इसका मतलब इसका कंपोनेंट ब्रेक क्यों करेंगे हम। लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर बेटा जी नीचे है, मोशन की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट, एक तो मोशन के पैरेलल लाइन में, एक मोशन के परपेंडिकुलर, क्लियर है ना बेटा। अब सुनो अगला पॉइंट, बहुत ही कॉमन बात, इसमें और फर्क क्या है, इसमें एक चीज है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता, वो नहीं होता ना, ax इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या है ग्रेविटी को अगर इसका कंपोनेंट एक्स में लेके जाएंगे ग्रेविटी का तो जीरो मिलेगा, क्योंकि एंगल कितने डिग्री है ax और ay में 90 डिग्री। लेकिन यहां क्या है, यहां एक्सिस के अलोंग बच्चों ध्यान से सुनो एक्सेलरेशन आ चुका है जी कोस अल्फा, मतलब जो एक्स एक्सिस हमने माननी है ना उसके अलोंग एक कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का, दैट इज जी कोस अल्फा, जहां पे जीरो लिखते थे ना, अब इस केस में जीरो नहीं होगा, देखो देखो जी को सेल्फा होगा जो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगी ना बात, तो इसका मतलब ये क्या होगा, या लिख लो जो चीजें हैं, ये यू है ना, ब्रेक करो, ये क्या होगा यू साइन थीटा, क्योंकि ये तो एक टाइप का परपेंडिकुलर ही है, इधर कौन सा जाएगा बताओ, इस डायरेक्शन में जाएगा यू कोस थीटा, यही तो आना बेटा, जी यू के कंपोनेंट ब्रेक करते थे, कैसे करते थे सुनो, ये यू था ना, ऊपर कौन सा जाता था यू साइन थीटा, इधर कौन सा जाता था बच्चों यू कोस थीटा, तो सेम ऐसे किया, अगर ये यू है तो इधर कौन सा चला गया यू साइन थीटा, इधर कौन सा चला गया यू कोस थीटा, तो सुनो ये दोनों अपोजिट आ चुके हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, सिंपल देखो बेटा दोनों आपस में एरो टकरा रहे हैं ना, तो इसका एक दूसरे के क्या है अपोजिट आ गई है। अब सुनना हमें निकालना क्या है, जैसे आप लोगों से सिंपल पूछे कि सर हमें बता दो स्टार्टिंग में कि एक्सेलरेशन यानी कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मान ली हाइट पूछे ठीक है ना, तो आपको ना सिर्फ ये इक्वेशन चूज करनी है ए ये वाई वाली, बस आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो सुनो कैसे बेटा, एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सर यहां पे देखो इस डायरेक्शन में यहां जो चीजें लिख लो, ax की वैल्यू कितनी है, ax की वैल्यू है बेटा अब की बार है x में, तो g cos alpha, वेरी गुड, ux कितना है, ux है बेटा, u कितना बताओ u cos theta, क्योंकि x एक्स जी मान रखी है ना u cos theta, ठीक है यही है ना बेटा। और मैंने कहा वाई एक्सिस के लोग क्या है, ए वाई कितना है, ए अब देखो मैंने कहा ना ए वाई कितना है, तो ध्यान से देखना इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा, तो इसके अपोजिट क्या है जी साइन अल्फा, तो इसका भी वाई में है ना, देखो बेटा ये दोनों पैरेलल है ना ये लाइन, इसका मतलब ये जो कंपोनेंट आया था जो वाई के अलोंग आया था एक्सेलरेशन का, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में एंटी पैरेलल है ना, इसका मतलब वाई तो हमारी ये डायरेक्शन है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है बताओ जी साइन अल्फा, बिल्कुल सही बात है सर, वाई कह लूंगा तो ये एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा आएगा, कॉमन बात है ना। अगला पॉइंट समझो बेटा, अगला है यहाँ पे यू आई कितना है, यू आई, यू आई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा, बेटा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इनकी रिप्लेसमेंट करनी है और कुछ नहीं है, इन इक्वेशंस में ये जो इक्वेशन बना दी ना इनमें इन सारी इक्वेशंस की रिप्लेसमेंट करनी है, दैट्स इट। और क्या होगा बताओ, हमारा आंसर आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ जाएगा, रेंज के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, रेंज क्यों प्रॉब्लम होती है मैं आप लोगों को बताऊंगा, चलो करते हैं।
बेटा क्या करो, इस इन वैल्यूज को सुनो, मैं क्या निकाल रहे हैं, मान लिया क्या निकाल रहे हैं बताओ, यहां पे कुछ भी अपनी मर्जी से बताओ, कोई भी वैल्यू जो मैंने कहा, मान लिया मैं स्टार्टिंग में क्या निकालू, हाइट निकालू, तो चलो सुनो बेटा, मान लिया मैक्सिमम हाइट के लिए निकालता हूं, तो वाई की जगह क्या हो जाएगा, एच, वाई रिप्लेस एच से हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो यही है बेटा, मैक्सिमम हाइट के बराबर तो क्या होगा, एच इज इक्वल टू यू वाई, कितना यू वाई, यू वाई देखो बेटा, यू वाई ये रहा यू साइन थीटा टी, क्लियर है ना। अगला पॉइंट प्लस है ना, लेकिन ए वाई क्या है, देखो उल्टी डायरेक्शन में है ना, ये इसमें है तो ये उसके क्या है, नेगेटिव में है, तो इसका लॉग साइन क्या आएगा, नेगेटिव का, तो क्या आएगा हाफ जी, जी कितना है बताओ बेटा, ए वाई, ए वाई कितना है, जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा टी का स्क्वायर। लो बेटा इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दो, वन का दे दो, इनको इक्वेशन का नाम नहीं दिया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट समझो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, इसमें एक चीज और सोचना, अगर मैं एक्स एक्सिस का लॉन्ग ब्रेक करना चाहूं तो क्या बनेगा बताओ बेटा, अगर मैं इसको एक्स के लॉन्ग लेके जाऊं तो क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, नहीं ये इक्वेशन हाइट के लिए ना, मैक्सिमम हाइट के लिए इक्वेशन आ गई, अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी ये इक्वेशन यूज करते हैं बता, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या होगा, लेकिन अभी आंसर आ जाएगा बेटा, इस इक्वेशन को ब्रैकेट में बंद कर लो कि सर हमारे लिए हाइट की एक इक्वेशन सर ने बताई थी, इस इक्वेशन से हमारी हाइट आ जाएगी। अगला पॉइंट सुनो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी सेम इक्वेशन, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखो, जब ये यहां से यहां गिर जाएगा तो हाइट तो जीरो हो जाएगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एच कितना होगा बताओ, फॉर टाइम के लिए लिख लेना, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा गिरने तक का, यहां से यहां तक गिरने तक, इसका मतलब ये हाइट तो जीरो हो जाएगी जब गिरेगा, तो टोटल टाइम जो लगेगा उसके अकॉर्डिंग, तो क्लियर है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने कहा ना कि एच की वैल्यू को जीरो लेते हैं, वहां भी आप लोग जीरो ही लेते होंगे, एच इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो करो बेटा एच को, तो एच को जीरो करोगे, जीरो इज इक्वल टू देखना बेटा यू साइन थीटा, ये टी है ना, ये टी किससे रिप्लेस हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट से, कैपिटल टी से, ये तो कर रखा ना ग्राउंड टू ग्राउंड में, अगर एच जीरो लोगे तो इसका मतलब क्या होगा, गिर चुका है, तो देखो सेम लेवल पे आ गया ना, इसका मतलब ये है जिसको एक्स एक्सिस मानेंगे तो सेम लेवल ही तो है ये, इसका मतलब एच इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ पे यू साइन थीटा जब टी कैपिटल टी के बराबर आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो देखो हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी का क्या होगा बच्चों, स्केयर होगा, ध्यान से सुनना, इंटू में टी का क्या होगा, स्केयर हो गया। अगला पॉइंट सुनते जाना, मैं ये यहां पे रब कर रहा हूं, इधर आ जाओ बेटा, जब यहां से यू साइन थीटा इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू हाफ जी साइन अल्फा टी का स्केयर, एक टी से टी क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, तो देखो टू इधर मल्टीप्लाई होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, देख लो टू यू साइन थीटा बाई जी, जी नहीं आएगा, जी का कौन सा आएगा, साइन अल्फा, याद रखना ये टाइम ऑफ फ्लाइट है जब इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर क्या है बच्चों, उसको इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, तो इनक्लाइंड प्लेन पे तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, टू यू साइन थीटा बाई जी होता है ना, जी नहीं आएगा, जी साइन अल्फा, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन अल्फा जो उसको रोकेगा, इसका पहले तो जी होता था ना ऊपर को जाने से, कौन रोकता था, जी नीचे, तो लेकिन यहां क्या है, ऐसे है वाई, तो इसका मतलब इधर कौन सा रोकेगा, जी साइन अल्फा, तो इसका मतलब कौन क्या होगा, जी साइन अल्फा, याद रखने का तरीका समझ लेना। अगला पॉइंट दो, पॉइंट नंबर टू क्या है, सिंपल मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा बेटा, ये जो टाइम है इसका आधा यहां तक लगा होगा ना, इसका मतलब जो स्मॉल टी होगा वो कितना होगा, स्मॉल टी जो यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम होगा उसको मैंने स्मॉल टी बोल रखा है, तो स्मॉल टी क्या होगा बेटा, स्मॉल टी होगा यू साइन थीटा है ना अपॉन जी साइन अल्फा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपको पता है ना, जो मैक्सिमम हाइट पहुंचेगी तो टाइम हो जाएगा, वो टाइम पूरे टाइम का आधा हो जाएगा, आपको पता है पूरा अगर टी है तो ये यहां तक यहां आधा कितना लगेगा, टी बाई टू, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, टोटल टाइम फ्लाइट का आधा लेने दिया। लो बेटा इसको ऐसे करना, इसको उठाओ और इसको उठा के यार स्मॉल टी में रिप्लेस कर दो, तो जो हाइट आएगी ना आपकी वो कितनी आएगी वो सुन लेना, नोट कर दो इसको जल्दी से, इसकी जो हाइट आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, मैक्सिमम खुद सोल्व करना, एच इज इक्वल टू U साइन थीटा मल्टीप्लाई T की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर टोटल टाइम का आधा बेटा, तो G साइन अल्फा माइनस हाफ G साइन अल्फा और T का स्केयर करोगे बच्चों, तो इसका स्केयर क्या होगा बेटा, इसका स्केयर होगा U साइन थीटा अपॉन G साइन अल्फा
इसका होल स्केयर, नोट करते चलना मेरे साथ, तो हाइट किसके बराबर आ गई बेटा, मैक्सिमम हाइट यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन जी साइन अल्फा आ गया ना, माइनस का साइन, इसका करोगे तो क्या आ गया बेटा, देखो जी साइन अल्फा इसका स्क्वायर करो तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऊपर क्या आएगा यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन टू टू जी साइन अल्फा, बिल्कुल सही बात है, टू जी साइन अल्फा आएगा ना, एक कट हो गया ऊपर से जी साइन अल्फा कॉमन ले लेना, यहां से 2g sin alpha मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, यहां क्या आ गया 2u square sin square theta minus u square sin square theta, ध्यान से देखो क्या आ गया u square sin square theta by 2g sin alpha, 2g होता ना केला, लेकिन यहां 2g sin alpha आ गया, आपको बता रखा है ना क्या होता है ग्राउंड टू ग्राउंड में, u square sin square theta by 2g, यहां क्या आ गया u square sin square theta by g sin alpha, बस आपने टाइम में भी ये डिवाइड कर दिया g की जगह g sin alpha, यहां पे भी क्या कर दिया g की जगह g sin alpha, मुझे नहीं लगता ये मैक्सिमम हाइट है बेटा इंक्लाइंड प्लेन पे कितने हाइट के ऊपर पहुंचा, क्लियर है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये हाइट वाला केस और ये किसका पता टाइम ऑफ ए फ्लाइट का केस, क्या आपको यहां से यहां तक गिरने का कितना टाइम लगा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इन दोनों चीजों को निकालने में कोई भी परेशानी आएगी, सेम वही है ग्राउंड, जो बच्चा एक्स और ए वाई यू एक्स और यू वाई जानता होगा ना, वो बेटा कभी भी इस चीज में ये नहीं हो सकता कि भाई ये पजलिंग होगी या परेशानी होगी, नहीं हो सकता, क्लियर है ना ये बात। अब आती है रेंज की बारी बेटा, रेंज के अंदर कभी भी डायरेक्ट यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी इस तरह के प्लेसमेंट नहीं कर सकते, रीजन क्या है समझो, रेंज के अंदर एक सबसे मेन प्रॉब्लम है, एक बात बताओ रेंज इस डायरेक्शन में होती थी ना, मतलब एक्स के अलोंग जब ऐसे थ्रो करते थे ऐसे होती थी ना, और आपको पता है ना रेंज के अंदर कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता था, तब रेंज की वैल्यू निकालते थे तो वहां कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता था ना, लेकिन यहां रेंज के अंदर एक्सेलेरेशन है कितना है जी कोस अल्फा, इसका मतलब डायरेक्ट उस मेथड में रिप्लेस कर देना कि सर आपको पता है आपने क्या रखा है जी की जगह जी साइन अल्फा कर देना, तो हमें रेंज का फॉर्मूला उसका याद होता है साइन यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट जी साइन अल्फा कर दू तो बोला ये रेंज आगे, नॉट पॉसिबल, ये तब होता बेटा जब आपको इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता, क्योंकि रेंज होती है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ एक्स कितना होता है जीरो, लेकिन इस डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन है ना बेटा, वो कितना है जी कोस अल्फा, इसका मतलब आप डायरेक्ट यहां ना ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, गलत है बेटा, याद रखना टाइम और हाइट के लिए सारी चीजें वैलिड है, क्योंकि उधर क्या है बताओ एक्सेलेरेशन है वो जी होता है, लेकिन यहां क्या आ चुका है जी साइन अल्फा था बेटा, अगर ये वाई माननी है तो ये क्या है जी साइन अल्फा, लो बेटा नीचे, अगर ये ऊपर जा रही है तो नीचे क्या होता है जी, तो देखो यहां पे 180 डिग्री एंगल होता है, यहां पे 180 बना हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पॉइंट है यहां पे रेंज निकालने कैसे, इसका मतलब रेंज के लिए आपने थोड़े से मेथड और यूज करने पड़ेंगे, मैक्सिमम रेंज कब होगी या सिंपल रेंज कैसे निकालोगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये आप लोग इसको सॉल्व करके भी देखना डायरेक्ट आंसर आएगा। चलो मैं इसको रब कर दूं, नोट कर लो अपनी कॉपी में, ये इंक्लाइंड प्लेन के केस हैं, चाहे नीचे से ऊपर थ्रो करे चाहे ऊपर से नीचे थ्रो किए, आप लोगों को करना क्या है सिर्फ ये चीज देखनी है एक्सेलेरेशन किधर जा रहा है। अच्छा ये मैक्सिमम हाइट है, इसके कंपोनेंट इधर जाएंगे, तो आपको सिर्फ यू एक्स यू वाई ax और ay ये चार चीजें याद है, और दो इक्वेशन जानते हो y is equal to uyt plus half ayt square, ux is equal to बेटा x is equal to क्या हुआ uxt plus half axt का square, क्लियर है ना, ये बहुत ही सिंपल बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करो आगे बढ़ते हैं, रेंज के लिए क्या है सर, रेंज के लिए बताओ बहुत ही सिंपल बात, अगर मैं रेंज की बात करता हूं ना, रेंज में रेंज के लिए इक्वेशन होती है x is equal to uxt plus half axt का, यही होते हैं ना भाई एक्स के लोग, लेकिन यहाँ पे ना यूएक्स कितना है यूएक्स, तो देखो यू कोस थीटा एक्स एक्सिस है ना, इसका मतलब अगर मैं रेंज की बात करता हूं ना, तो आपको पता है यूएक्स की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा यू कोस थीटा। टी कौन सा यहाँ पे, टी टी की वैल्यू कौन सी पुट करोगे बेटा, टी की वैल्यू है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टोटल रेंज तो यहां से यहां तक होती है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बताया था बोलो, हाँ टू यू साइन थीटा बाई जी नहीं लिख रहा सर, जी बस साइन अल्फा लगा देना लो, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, माइनस का साइन हाफ इन टू एक्स कितना है बताओ एक्स, अब की बार एक्सेलेरेशन क्या लोगे नेगेटिव, याद रखना वेलोसिटी इधर तो एक्सेलेरेशन उल्टा है, तो इसका मतलब यहां नेगेटिव साइन आएगा, तो क्या होगा बताओ जी कोस अल्फा मल्टीप्लाई टी स्केयर, टी कितना है बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट है टोटल, यही इसका स्केयर कर दो तो क्या बन गया बेटा, मैं चीज रब कर रहा हूं नोट कर लेना, टू यू साइन थीटा बाई जी साइन अल्फा, इसका क्या करना होल स्केयर बेटा, यहां से यहां तक की रेंज ऐसे निकलगी, सिंपल फॉर्मूला है,
बस आप लोगों को स्क्वायर वगैरह सोल्व करने हैं, ये रिजल्ट आएगा। अगर इसको पूरे अच्छे तरह से सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो मैं दो मिनट में इसको सोल्व करके दिखा देता हूं कि इसका रिजल्ट क्या आता है बच्चों मैक्सोमाइट का। सुनते चलना बेटा, इसको मैं सोल्व करता हूं मैक्सिमम रेंज को। मैक्सिमम रेंज है ये, मैक्सिमम रेंज है तो आर इज इक्वल टू क्या बन गया, देखो इसको सोल्व करो बेटा, टू यू स्केयर साइन थीटा कोस थीटा, हाँ टू यू स्केयर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी साइन अल्फा, ये तो होगा पहला केस, माइनस साइन। इसको सोल्व करो 1/2, यानी कि 1/2 को ऊपर करोगे ना बेटा, जी से जी स्केयर कैंसिल, तो आपका क्या आएगा 2/4, यानी कि आएगा बेटा इसका 1/2। मैं इसको ओपन कर देता हूं, जी कोस अल्फा इसका खोलोगे तो 4/4 है बेटा ये, 4 u square लो, 4 को वैसे लिख देता हूं, थोड़ा सा u की तरह ना बन जाए, 4 u square sin square theta अपॉन क्या क्या बताओ, g square sin square alpha। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी, बस इसका स्क्वायर खोल दिया। ठीक है बच्चों, अब सुनो, अब इसको सोल्व करोगे तो एक जी से जी क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है ना, और क्या कैंसिल होगा बताओ यहाँ पे, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना, 2 × 2 = 4 ये 2 पे, तो क्या आ गया बताओ, 2 u² साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी साइन अल्फा माइनस का साइन, ध्यान से देखना माइनस का साइन बच्चों, यहाँ क्या है 2 u² 2 था ना, या 2 × 2 = 4, तो 2 u² कोस अल्फा साइन स्केयर थीटा अपॉन साइन स्केयर अल्फा जी। बेटा याद रखना ये है वो रेंज, मतलब इसको थोड़ा सा और सिमेट्रिक बना सकते हो, लेकिन है यही, इसको क्या लिख सकते हो, यू स्केयर 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है यू स्केयर, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। 2 साइन थीटा कोस थीटा की आइडेंटिटी बताओ मैथ में क्या होती है, साइन 2 थीटा। सर ये पहले वाला फैक्टर तो रेंज वाला आ ही गया था, देखो आपने कहा था ये नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ओनली देखो माइनस हुआ इसमें से ये फैक्टर, ये तो इसका मतलब बिल्कुल सही कहा था सर कि वो फैक्टर नहीं है, इसमें से तो कुछ माइनस होगा, बिल्कुल ठीक बात है, ये वाला फैक्टर माइनस होगा बच्चों, ये फैक्टर, ये तो ये फैक्टर देखो, अगर जनरली इस एक्सिस में एक्सेलरेशन होता तो सिर्फ क्या करते जी साइन अल्फा लिख देते जी के जगह, क्योंकि यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी होता है ना, बस जी साइन अल्फा हो जाता, लेकिन ये तो माइनस हुआ है सर, ये माइनस क्यों होगा, समझो बेटा ये आंसर है रेंज का। देखो इतना बड़ा सा मैक्सिमम रेंज कब होगी इसका डिफरेंशिएशन करके जीरो के बराबर, आपको पता है ना, लेकिन आप ये जनरल केस याद रखना रेंज का। अब सर माइनस क्यों हुआ, माइनस इसलिए हुआ बेटा, रेंज तो यहां से यहां तक की आई है, लेकिन आगे गिरे भी तो होगा, सुनना इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई ऐसी वैल्यू, या हाफ तक की रेंज तो एक कम है, ये कंप्लीट गिरने की रेंज ज्यादा होती, इसका मतलब उस रियल में से इस फैक्टर को माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब ये रेंज जब ये कंप्लीट गिर जाता, ये वाली रेंज, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है इसमें डिफरेंस है बेटा, ये कम और ये क्या होता ज्यादा होता, तो इसका मतलब इतना फैक्टर माइनस करना पड़ा हमें, तो ये जनरल केस है रेंज का, किस केस में, इनक्लाइंड प्लेन के केस में बच्चों, याद रखो इनक्लाइंड प्लेन में ये फॉर्मूला आपने यूज करना पड़ेगा। आई होप टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और क्या है बताओ मैक्सिमम हाइट, ये जनरल केसेस मतलब समझ में आई बात, तो आपको ये सारे क्लियर होने चाहिए माइंड में क्या बताया, ठीक है ना, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये न्यूमेरिकली किस तरह से इस चीज को हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, बहुत गर्मी हो रही है, थैंक यू सो मच।